हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने कल जो टॉपिक पढ़ा था इकाई कोष्टिका का घनत्व है, आशा करता हूँ कि आपने न्यूमेरिकल वगैरह किए होंगे। तो अपने पास एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, इसके बाद में एक दो न्यूमेरिकल और स्टडी करेंगे। उससे पहले अपने पढ़ेंगे संकुलन क्षमता। देखिए, संकुलन क्षमता क्या होती है, इस चीज़ को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास ये एक बॉक्स है, बॉक्स जिसको मैं घन बोल देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हमने मान लीजिए कोई सफियर रख दिए, कोई गोले रख दिए, तो क्या इन गोलों ने इस घन का या फिर हम बोल देंगे इस बॉक्स का संपूर्ण आयतन घेर लिया? तो ये जो गोले हैं वो इस घन का संपूर्ण आयतन नहीं घेर पाते। क्यों नहीं घेर पाते? क्योंकि इनके मध्य कुछ स्थान है वो रिक्त बन जाते हैं, ठीक है। इनको हम रिक्तियां बोलते हैं, ये होगी रिक्तियां, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर क्या होता है संकुलन क्षमता के अंदर, कि ये जो घन है इसका जितना आयतन ये गोले घेरेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करेंगे हम कि किसी इकाई कोष्टिका का या क्रिस्टल जालक का वह आयतन जो उसके अवयवी कणों या गोलों के द्वारा घेरा जाता है उसको हम किस क्या नाम देते हैं, संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी नाम देते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन को हम इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो संकुलन क्षमता कैलकुलेट करने का सूत्र है। तो अपने को संकुलन क्षमता निकालनी है, और संकुलन क्षमता को कैसे निकालेंगे? तो कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन बटे घन का आयतन हो जाएगा, घन का आयतन या इकाई कोष्टिका का आयतन बोल देंगे अपने, ठीक है। अपने को संकुलन क्षमता निकालने के साथ साथ एक टॉपिक और आता है जिसके अंदर हम लिखेंगे प्रतिशत संकुलन क्षमता। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, प्रतिशत संकुलन क्षमता कैलकुलेट करनी है, और प्रतिशत निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के आगे इनटू के अंदर 100 लगा देंगे, यानी प्रतिशत संकुलन क्षमता का फॉर्मूला हो जाएगा कुल गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन और अपॉन घन का आयतन, और इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास प्रतिशत संकुलन क्षमता का फॉर्मूला बन गया। अब अपने क्या करेंगे, अपने पास तीन बेसिक स्ट्रक्चर जो है, एक SCC, एक BCC और एक FCC, इन तीनों की संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो सबसे पहले अपने हेडिंग लगाइए SCC की संकुलन क्षमता। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक है वो है SCC की संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ SCC, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने एक यूनिट सेल बनाते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या बनेगी, एक यूनिट सेल बनेगी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले आपको पता है कि SCC जो स्ट्रक्चर होती है उसमें अवयवी कण केवल कोनों पर व्यवस्थित होते हैं, इस तरीके से कोने पर व्यवस्थित होते हैं, और घन की जो प्रत्येक भुजा है वो बराबर होती है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। और ये ए है वो कितनी होगी, देखिए ये इसका केंद्र हो गया, ये होगी आर, और ये भी कितनी होगी, आर। यानी अपने पास क्या निकल के आया कि घन की जो भुजा है वो कितने आर है, 2R है, ठीक है। अब अपने को इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रतिशत संकुलन क्षमता, ठीक है। प्रतिशत संकुलन क्षमता में कुल गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³, और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है a³ × 100। और यहाँ पे मैंने लिख रखा है कुल गोलों का आयतन, तो SCC स्ट्रक्चर के अंदर कुल गोले कितने होते हैं, एक होता है, तो इसको लिख देंगे अपने 1 × 4/3 πr³/a³ × 100। अब अपने पास जो भी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे, 1 × 4/3 पाई की वैल्यू को रख देंगे, 22/7 × r³ × 100, और अपॉन में a = कितना है,
ए इज इक्वल टू टू आर है, तो टू आर की क्यूब हो जाएगा 2R की क्यूब। अब इसको अपने आगे सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 4 इंटू 22 इंटू आर की क्यूब इंटू 100 अपॉन में हो जाएगा 3 इंटू 7 इंटू 2 की क्यूब 8 और R की क्यूब। R की क्यूब से R की क्यूब को काट देंगे, 4 को काट देंगे 2 से और 2 को काट देंगे 22, 11 से 22 को। ठीक है, अपने पास फॉर्मूला लास्ट के अंदर रिजल्ट क्या है, 11 इंटू 100 बटे 21 और इसको जब अपने कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 52.4%, 52.3 नो आएगा जिसको अपने 52.4% लिख देंगे। तो ये अपने पास जो आ गया उसको हम बोलेंगे प्रतिशत संकुलन क्षमता। ठीक है, अपने पास ये SCC के प्रतिशत संकुलन क्षमता कितनी होगी, 52.4। मतलब इसका ये हो गया कि SCC जो स्ट्रक्चर होती है, SCC संरचना जो होती है, उसमें गोलों के द्वारा घेरा गया आयतन 52.4 है, उसके बाद में क्या बचेगी, रिक्तियां। तो रिक्तियां कितनी होगी, तो रिक्तियों के अंदर हम बताएंगे कि रिक्तियां जो होगी वो होगी 100 - 52.4 यानी कि 47.6%। ठीक है, ये चीज इसके अंदर आएगी, आपको ये दो वैल्यूज याद रखनी है। अगर पेपर में क्वेश्चन इस तरीके का आता है कि SCC की संकुलन क्षमता को ज्ञात कीजिए, और ये अगर ज्ञात करना आता है तो दो नंबर का क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें करके बताएंगे। जबकि अगर सीधा क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का कि SCC की संकुलन क्षमता लिखिए, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 52.4 और रिक्तियाँ पूछे तो 100 माइनस करके और 47.6। इस तरीके से हम SCC की संकुलन क्षमता को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक आता है वो आता है FCC की संकुलन क्षमता, इसको आप लिख लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए FCC की संकुलन क्षमता। ठीक है, तो दूसरा जो टॉपिक आ गया वो आ गया FCC का। ठीक है, अब FCC की संकुलन क्षमता ज्ञात करेंगे, उससे पहले अपने FCC स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको हम कैसे बनाएंगे पता है आप सभी को, बनानी आती है, इस तरीके से अपने बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए इसमें एक स्फीयर जो होता है वो फलक पर होता है, इसको एक बार यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हमारे पास इकाई कोष्टिका है। ठीक है, इस इकाई कोष्टिका में FCC क्या होता है कि जिसके अवयवी कण कहाँ पे होते हैं, कोने पर और फलक पर होते हैं। तो इस वाले फलक को मैं अलग से निकाल लेता हूँ यहाँ पे, इस वाले फलक को अलग से निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सीधा कर दिया है मैंने, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बीच में एक सफ़ियर है। ठीक है, ये सफ़ियर इस तरीके से प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो सफ़ियर है वो अन्य सफ़ियर है वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोने पर होते हैं। तो देखिए ये जो घन की भुजा है, ये घन की भुजा कितनी है, ए। क्या हमने जैसे SCC के अंदर किया था कि ए इज इक्वल टू 2R, तो क्या हम इसको ए इज इक्वल टू 2R लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके बीच में ये खाली जगह बच गई और अपने को नहीं पता कि ये कितनी है। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये घन की भुजा हमें पता है कितनी है, ए, और ये भी घन की भुजा हमें पता है कितनी, ए। अब क्या करेंगे, अपने एक विकिरण खींचेंगे फलक के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे सी। अब ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, ये हो गया इसका कर्ण, ये आधार हो गया, ये हो गया लंब। तो अब हम AB को कैलकुलेट कर सकते हैं। AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC की स्क्वेयर प्लस AC की स्क्वेयर और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट, यानी A की स्क्वेयर प्लस A की स्क्वेयर का अंडर रूट, 2A की स्क्वेयर का अंडर रूट, यानी अंडर रूट 2A। ठीक है, ध्यान से समझिए, इसको दोबारा से मैं रिपीट कर दूंगा, तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने दोबारा से यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसे बनाना है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना, कि अपने को पता है कि एक सफ़ियर होता है, एक गोला जो होता है वो फलक पर होता है। ठीक है, एक ही इस वाले फलक पर आ गया और एक इस वाले फलक पर आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास फलक पर विकिरण हो गया, जैसा उस डायग्राम के अंदर हमने पढ़ा था। इसका नाम हो गया ए, ये बी और ये
सी, ये जो घन की भुजा है इसको मैंने लिख दिया ए, और ये भी घन की भुजा है इसको लिख दिया मैंने ए। पहले अपने अगर डायग्राम के अनुसार देखें तो इसको लिख देंगे अपने चित्रानुसार ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू कितना है। तो ए बी को अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखोगे तो ए बी इतना है, ठीक है, जिसके अंदर हम लिख देंगे कि ये आर है, ये भी आर है, और ये इसका व्यास हो गया बीच वाले गोले का, तो इसको लिख देंगे 2R। यानी अपने पास रिजल्ट क्या आया है, ए बी इज इक्वल टू 4R, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए अपने त्रिभुज के अंदर ये जो ट्राइंगल बड़ा है त्रिभुज ए बी सी में, जैसा कि मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले ही बताया था, यहाँ पे ए बी को कैलकुलेट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, बी सी की स्क्वेयर प्लस ए सी की स्क्वेयर का अंडर रूट। बी सी कितना है, ए की स्क्वेयर, प्लस ए सी कितना है, ए की स्क्वेयर का अंडर रूट। ए स्क्वेयर हो गया 2A² का अंडर रूट, और ए बी अपने पास क्या आ गई, अंडर रूट 2A आ गई, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर आ गई सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट और सेकेंड से क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2A इजिकल टू 4R, तो A इजिकल टू क्या हो गया 4R अपॉन अंडर रूट 2, ये आ गई अपने पास किसकी वैल्यू, A की वैल्यू, ठीक है। अब अपने को क्या निकालनी है, प्रतिशत संकुलन क्षमता निकालनी है, तो प्रतिशत संकुलन क्षमता कुल गोलों का आयतन, तो FCC संरचना के अंदर कुल गोले कितने होते हैं, जैसा कि आपको पहले बता दिया कि FCC के अंदर 4 गोले होते हैं, और 4/3, और ये हो जाएगा पाई आर की क्यूब इंटू 100, और अपोन में क्या लग जाएगा, ए की क्यूब, और ए कितना है, ए है 4R अपॉन अंडर रूट 2, 4R अपॉन अंडर रूट 2 की क्यूब आ गई, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे अपने, 4 × 4/3 22/7 पाई की वैल्यू, आर की क्यूब इंटू 100 हो गया, बटे अब देखो 4R की क्यूब कितनी होगी, 64, और R की क्यूब होगी, और अंडर रूट 2 है वो ऊपर चला गया, और उसकी क्यूब करेंगे तो 2√2 आ जाएगा, और अंडर रूट 2 की वैल्यू को 1.414 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप, R की क्यूब से R की क्यूब, 4 × 16 और 16 × 64, ये 2 कट गया, 4 कट गया 2 से 2, और ये आ गया 11, ठीक है। अब ये 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.414 से करेंगे और 21 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 74%। यानी FCC की संकुलन क्षमता कितनी आ गई, FCC की संकुलन क्षमता आ गई 74%। इसी क्वेश्चन को अपने आगे बढ़ाते हैं, तो बताओ रिक्ति कितनी बनेगी, 100 − 74, ठीक है, तो ये कितनी आ गई 26%, और ये पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन क्षमता कितनी आ गई 74%। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपना दूसरा जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया कि FCC की संकुलन क्षमता को कैसे ज्ञात करते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से समझना और ये सारी चीज़ें आप राइट डाउन कर लेना, लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने लगाइए हेडिंग BCC की संकुलन क्षमता। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक आ गया BCC की संकुलन क्षमता। BCC की संकुलन क्षमता, ठीक है। अब सबसे पहले BCC की संकुलन क्षमता अगर अपने ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो अपने को यूनिट सेल बनानी पड़ेगी, ठीक है, बनानी पड़ेगी अपने को यूनिट सेल, ठीक है, ये यूनिट सेल होगी, ठीक है। BCC बनाएंगे तो जो एक गोला होगा वो कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होगा। अब गौर कीजिएगा इस बात पर, जैसे BCC संरचना में 4 गोले नीचे होते हैं,
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसके ऊपर जो बीच में जगह बन सकी उसके ऊपर पांचवा होगा, और फिर उसके ऊपर फिर से चार होंगे। तो बीच वाला जो सफ़ियर है वो किसी भी चार नीचे वाले और चार ऊपर वाले सफ़ियर को, गोलों को, न तो किसी किनारे, केंद्र और फलक के साथ में मिलने देता है। तो हम विकिरण जो खींचेंगे वो आएगा फलक के ऊपर। विकिरण फलक के ऊपर कैसे आएगा, इस चीज़ को आप यहाँ पे समझ लीजिए, इस तरीके से समझ जा सकते हो आप। बाद में बता दूंगा मैं संकुलन क्षमता ज्ञात करनी। एक सफियर अपना कहाँ पे है, केंद्र में है। अब अपने सफियर जब खींचेंगे, अपने विकिरण जब खींचेंगे तो विकिरण खींचा जाएगा तो वो एक तो फलक आएगा पीछे वाला, कोणा होगा वो पीछे वाला होगा, और एक होगा आगे वाला, इस तरीके से। और ये अपने पास घन का विकिरण आ गया। आपको एक चीज़ अच्छे से पता है कि ये घन की जो भुजा है वो कितनी है, ए। ये भी घन की भुजा है वो कितनी है, ए। और ये भी घन की भुजा है वो कितनी है, ए। अपने ये होगी ए, ये होगी बी, और ए बी इजिकल टू कितने होगी, तो ए बी इजिकल टू ये आर, ये कितनी आर, ये टू आर, और ये कितनी आर, यानी ए बी इजिकल टू कितनी आर होगी, फोर आर होगी। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि ए बी इजिकल टू फोर आर है, परंतु हमें इसको घन की भुजा, हमें तो क्या चाहिए, घन का आयतन, और घन के आयतन में ए चाहिए, ए की क्यूब करेंगे तो अपने को ए कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया पॉइंट अपने पास सी। अब देखिए इसका अपने को आधार तैयार करना है, तो आधार बनाएंगे हम इसको, और ये आधार कोण बना है, ये जो नीचे वाला फलक है, इस फलक का ये क्या है, विकिरण है, ठीक है। तो ये अपने पास एक ट्राइंगल बन गया, ये अपने पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल, त्रिभुज बन गया। अब उसी तरीके से हम AC को कैलकुलेट कर लेंगे, ये भुजा कितनी है, A, ये भुजा कितनी है, A, और इसी तरीके से अपने पहले तो त्रिभुज ACD से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, AC ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद में ABC से हम क्या ज्ञात कर लेंगे, AB। देखिए कैसे कैसे अपने इसी चीज़ को यहाँ पे बनाते हैं दोबारा से, ठीक है, अच्छे से समझना। आप कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा से बैक करके और समझ लेना। अब एक स्फीयर यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से, और एक स्फीयर यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया घन का विकिरण, ये ए, ये बी, ठीक है। अब ये घन की भुजा होगी जिसको मैं लिख देता हूँ ए, ये घन की भुजा होगी जिसको मैं इसी नाम से लिख देता हूँ ए, और ये भी एक भुजा होगी घन की जिसको ए नाम दे दिया। ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया डी। अब ये हो गया फलक के ऊपर विकिरण। पहले अपने ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं चित्रानुसार, चित्रानुसार ए बी इजिकल टू कितने आर है, फोर आर, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया, ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। अब देखिए सबसे पहले आप लिखिए त्रिभुज ए सी डी में आपको क्या कैलकुलेट करनी है, ए सी। तो त्रिभुज ए सी डी में ए सी इजिकल टू कितना आ गया, सी डी की स्क्वेयर प्लस ए डी की स्क्वेयर, सी डी की स्क्वेयर प्लस ए डी की स्क्वेयर का अंडर रूट। सी डी कितना है, ए की स्क्वेयर प्लस ए की स्क्वेयर का अंडर रूट, दो ए की स्क्वेयर का अंडर रूट, और इसको लिख दिया अंडर रूट टू ए, यानी ए बी कितनी आ गई, अंडर रूट टू ए आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन होगी मान लीजिए सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया ये। देखिए त्रिभुज ए सी डी में अपने को कैलकुलेट करनी है ए सी, ए सी कितना आया, सी डी की स्क्वेयर प्लस ए डी की स्क्वेयर, यानी ए की स्क्वेयर प्लस ए की स्क्वेयर, ये हो गया दो ए स्क्वेयर अंडर रूट टू ए। ए बी इजिकल टू कितना आ गया, सॉरी ए बी नहीं, ए सी इजिकल टू अंडर रूट टू ए। अब त्रिभुज अपने लेंगे ए बी सी लेंगे, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी के अंदर क्या होगा, ए बी कैलकुलेट करना है, और ए बी कितना हो गया, बी सी की स्क्वेयर प्लस ए सी की स्क्वेयर का अंडर रूट हो गया, ठीक है। अब बी सी कितना है, देखो आप बी सी ए है और ए सी कितना है, अंडर रूट टू है, ए की स्क्वेयर प्लस अंडर रूट टू ए की स्क्वेयर का अंडर रूट। तो ए बी इजिकल टू अपने पास आ गया तीन ए स्क्वेयर का अंडर रूट, यानी कहने का मतलब ए बी इजिकल टू अंडर रूट तीन ए। ये इक्वेशन अपने पास कौन सी होगी,
थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपने देखिए इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड से। तो समीकरण एक व तीन से, एक व तीन से क्या है, अंडर रूट तीन ए इज इक्वल टू कितने आर, फोर आर। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर आर अपॉन अंडर रूट तीन। ये अपने पास ए कैलकुलेट हो गया। अब वही बात, ए की जो वैल्यू आ गई उसको आप इस प्रतिशत संकुलन क्षमता के फॉर्मूले में रख दो। तो प्रतिशत संकुलन क्षमता कितनी आ गई, देखिए कुल गोलों का आयतन, कुल गोले कितने होते हैं बी सी सी के अंदर, दो, और गोले के आयतन का फॉर्मूला हो गया चार बटे तीन पाई आर की क्यूब इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, और अपोन में घन का आयतन, भुजा की क्यूब, और भुजा कितनी है, 4r अपोन अंडर रूट 3 की क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 2 इंटू 4 बटा 3 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर की क्यूब इंटू 100, और अपोन में हो जाएगा 4r की क्यूब 64r की क्यूब, और इंटू सॉरी ये अंडर रूट तीन ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख दें 3 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732। 3 से 3 कट गया, 4 से ये 16 बार कट गया, आर की क्यूब से आर की क्यूब को काट दिया, और 2 से ये क्या कट गया 8, और ये 4 हो गया, और ये हो गया 11। अब इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो आपका आएगा ये 68%। यानी बी सी सी की जो संकुलन क्षमता आएगी वो संकुलन क्षमता कितनी आएगी, 68% आएगी। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, रिक्तियों की बात करें, तो रिक्तियां कितनी आ गई, 100-68 इज इक्वल टू कितने परसेंट, 32%। ठीक है, ये कितनी आ गई, 32% आ गई रिक्ति। ठीक है, बात क्लियर हुई। तो इससे अपने पास तीनों एग्जैक्ट आपको वैल्यूज याद रखनी है, एससीसी की जो संकुलन क्षमता आगी वो 52.4, बीसीसी की 68, और एफसीसी की 74% आ गई। ठीक है, तो ये अपने पास तीनों की आ गई अलग अलग। अब देखिए इसमें से एक न्यूमेरिकल कैसे बनता है, और आप बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आता है उसमें गलतियाँ कहाँ पर होती है, एक छोटी सी बात और लिख लीजिए। जैसे सबसे पहले अपने पास क्या है कि अपने पास एससीसी और किसकी कैलकुलेट की है, बीसीसी की और एफसीसी की। एफसीसी और सीसीपी स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, तो इसको मैं एक साथ ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि इसमें अवयवी जो कण होते हैं एससीसी के अंदर वो एक होता है, बीसीसी के अंदर 2, और एफसीसी के अंदर 4। संकुलन क्षमता के अंदर इसकी होगी 52.4%, यहाँ पे लिख लेना संकुलन क्षमता, प्रतिशत संकुलन क्षमता 52.4, ये 68% होगी, और ये होगी 74%। ठीक है, और अगर हम बात करें रिक्तियों की, तो रिक्तियाँ कितने परसेंट होगी, ये होगी 47.6%, ये आ गई 32%, और ये आ गई 26%। ठीक है, और ये आगे अवयवी कण, अवयवी कण, और ये होगी अपने पास यूनिट सेल इकाई कोष्टिका। ठीक है, इकाई कोष्टिका, इस इंडेक्स को आप एग्जैक्ट याद रखना। अक्सर बच्चों से गलती कहाँ पे होती है, जैसे टेस्ट के अंदर या पेपर के अंदर क्वेश्चन दे देते हैं कि बीसीसी की संकुलन क्षमता लिखिए, तो ये तो याद होती है वैल्यू एग्जैक्ट कि ये 68% है और ये 74% है, लेकिन कन्फ्यूज इसमें हो जाता है कि किसकी 68% है और किसकी 74% है। तो जिसमें अवयवी कण कम होंगे उसकी संकुलन क्षमता कम है, और जिसकी अवयवी कणों की संख्या ज़्यादा उसमें ज़्यादा होगी संकुलन क्षमता। अब एक न्यूमेरिकल और पूछते हैं, वो न्यूमेरिकल क्या है, तो अपने तीनों के लिए जो घन की भुजाएं निकाली है, किस किस के लिए, एक तो एससीसी के लिए, एक बीसीसी के लिए, और एक एफसीसी के लिए निकाली है। ठीक है, तो ये अपने पास देखिए एससीसी के अंदर क्या होता है, अपने पास ए इज इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है, और बीसीसी के अंदर हमने निकाला है 4 अपॉन अंडर रूट 3, और यहाँ पे r, और ये है 4r अपॉन अंडर रूट 2, जिसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2r।
ठीक है, ये आता है। अब न्यूमेरिकल के अंदर क्या चीज होती है, अक्सर यहां से एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनता है एक नंबर का, वो क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया इस तरीके का कि एफसीसी कॉपर की या कॉपर एफसीसी संरचना में क्रिस्टली करता है। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं मैं, एफसीसी संरचना में क्रिस्टली करता है। इसके कोर की लंबाई बोल देते हैं, किनारे की लंबाई बोल देते हैं, या घन की भुजा बोल देते हैं, 408 पिकोमीटर है। ठीक है, कॉपर के परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए या फिर इसका आर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको अपने सोल्व कैसे करेंगे, तो इसको अपने सोल्व करेंगे, देखिए कि अपने को एफसीसी का फॉर्मूला पता है, ए इज इक्वल टू कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू 408 पिकोमीटर है। आपको किसके अंदर, मान लीजिए मीटर के अंदर कैलकुलेट करना है, तो इंटू 10^-12 मीटर, सेंटीमीटर में होता तो 10^-10 मीटर। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, आर ज्ञात करनी है, और आर किसकी, एफसीसी की। एफसीसी का फॉर्मूला क्या है, 4R/√2। तो ए इज इक्वल टू 4R/√2, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, A इंटू √2 क्या हो गया, 4। वैल्यू पुट कर दो, R इज इक्वल टू A की वैल्यू 408 इंटू 10^-12 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 और अपॉन में हो जाएगा 4। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी, और किसके अंदर, मीटर के अंदर आ जाएगी, उसको यहाँ पे लिख लेना। तो आपको संकुलन क्षमता के अंदर आपको एक ये इंडेक्स एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, और दूसरा इन तीनों की घन की भुजा एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक आज आप कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे।